हवा चल रही है आज सुबह सुबह ही, और इस वक्त टाइम हो गया है 2:15 और अभी मैं निकल रहा हूँ काम के लिए। आज जल्दी जाना है क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन मैं जल्दी चला जाता हूँ। अभी 2:00 मैं रेडी होकर निकल आया हूँ, बस पानी लेता हूँ यहाँ से और पानी लेके निकलना है, ट्रक स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ। 3:00 हैं और अभी मौसम भी अच्छा है इस वक्त, बस अभी निकलता हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म हुआ तो जुम्मे की नमाज कोशिश ये करूँगा कैंप में वापस आके पढ़ी जाए, देखने क्या होता है। काफ़ी खामोशी का टाइम है इस वक्त, लेकिन इस वक्त निकलने का मकसद ये है कि एक तो ट्रिप भी हो जाएगा और इस टाइम पे इतना रश नहीं होता, रश होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, इसलिए इस टाइम हम लोग निकल जाते हैं ताकि ट्रिप भी हो जाए और परेशानी ज़्यादा ना हो रश की वजह से। अब आगे चलते हैं, आगे जाके नाश्ता वगैरह भी करना है, बस चलते हैं अभी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स वगैरह खड़े हुए थे तो हमने भी सोचा यहीं पे रुक जाते हैं और इधर ही नमाज़ पढ़ के एक ही दफ़ा निकलते हैं, क्योंकि फिर आगे नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह ना मिलती और फिर देर हो जाती नमाज के लिए। नाश्ते के लिए रुकेंगे, आगे एक जगह आती है उसका नाम मस्तूरा है, उधर ही रुक के नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर दोबारा इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी मैं मस्तूरा में हूँ इस वक्त और नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया। आज थोड़ा लेट आप लोगों को गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, पहले तो व्लॉग तो पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी यह है कि अभी यहाँ से निकल के मैं जा रहा हूँ जम्बो के लिए और यहाँ से जम्बो तकरीबन कोई 1.5 घंटे का रास्ता रह गया, बस यहाँ से चलते हैं हाईवे की तरफ चलता हूँ अभी और चलते हैं आगे जम्बो के लिए इंशाल्लाह। तकरीबन 110 किलोमीटर रहता है, 109 किलोमीटर रहता है भैया। लास्ट ट्रिप पे जब मैं आया था तो तब बहुत ज्यादा तेज हवा थी, लेकिन इस वक्त हवा वगैरह नहीं है। चलती है तो फिर ड्राइविंग भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना, क्योंकि स्पीड मेंटेन नहीं रख सकता उस वक्त, बार बार गियर अप डाउन करने पड़ रहे थे उस दिन भी।
यहाँ पे आने के बारे में, कंपनीज के बारे में, पाकिस्तान से थे उनका ताल्लुक था जिन्होंने सवाल किए थे, तो सोचा आज उनका भी जवाब दे देता हूँ। आने का कोई मसला नहीं, कंपनीज भी बहुत सारी है, मैंने पहले भी एक दो ब्लॉग में बताया, और कंपनीज अच्छी हैं, सारी अच्छी कंपनीज हैं। बस थोड़ा सा ये है कि डिटेल वगैरह ले लें कंपनी की, उसके बाद आए। और वर्कशॉप्स के हवाले से भी सवाल किया गया कि वर्कशॉप वगैरह में आपका अगर कोई मसला रास्ते में हो जाता है तो क्या होता है, उसका ये कंपनी पीछे से जो है आ जाती है, गाड़ी वगैरह आ जाती है, कोई इतना इशू नहीं होता रास्ते में। टायर्स वगैरह का कोई मसला होता है तो वो वैसे भी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो टायर्स पंचर वगैरह लगाने के लिए रास्ते में होती हैं, उनके नंबर्स होते हैं, हम लोगों के पास अगर कोई इशू होता है तो हम उनको कॉल कर लेते हैं तो वो आके टायर वगैरह चेंज कर देते हैं, अगर टायर ब्लास्ट है पंचर है तो वो भी हो जाता है। रेगिस्तान से मट्टी उड़ रही है, उड़ के रोड की तरफ आ रही है, वैसा लगता है जैसे बादल है लेकिन ये रेत है सारी। जद्दा के लिए वापस जा रहा हूँ, अभी राबिक आएगा रास्ते में, राबिक रुक जाऊँगा नमाज़ के लिए, या साबिर में रुकूँगा नमाज़ पढ़ूँगा जुमे की इंशाल्लाह, और फिर वहाँ से दोबारा जद्दे के लिए निकलूँगा। टाइम तो है अभी मेरे पास इंशाल्लाह, मैं जुम्मे की नमाज़ तक इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह जद्दा चला जाऊंगा। रेत का तूफान है इधर बहुत ज़्यादा, आज सुबह भी जिस वक्त जा रहा था उस वक्त भी था और अभी भी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हवा कांप नहीं हो रहा, काफ़ी तेज़ हवाएं हैं, कुछ नज़र भी नहीं आता आगे।